बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, एक अफसोसनाक खबर। तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबरा मौलाना हादम हसैन रिजवी साहब इंतकाल फरमा चुके हैं। मीडिया की इतलात के मुताबिक 54 साल आलम मौलाना हादम हसैन रिजवी साहब लाहौर में इंतकाल फरमा गए हैं। इस खबर की तस्दीक मोहतरम आसिफ जलानी ने की, जिनके मुताबिक मौलाना हादम हसैन रिजवी साहब घर में इंतकाल पा चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौलाना साहब को कोरोना हो गया था, इस वजह से इंतकाल हो गया। ताहम अभी तक ये कन्फर्म नहीं कि उनके इंतकाल की वजह क्या थी। मौलाना हादम हसैन रिजवी साहब पाकिस्तान में उस वक्त मशहूर हुए जब आशिक रसूल मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई तो उन्होंने खुल के उसके खिलाफ एहतजाज किया और हतम नबूत पर अपने आप को चौकीदारी के लिए पेश कर दिया। अभी चंद दिन पहले ही फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने और फ्रांस का बायकाट करने के लिए उन्होंने धरना भी दिया था, जो बाद में मुज़ाकरात की सूरत में वो धरना ख़त्म हो गया। नाज़रीन मोहतरम, मौलाना हादम हसैन रिजवी साहब एक सच्चे आशिक रसूल थे और पाकिस्तान में उनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके तमाम चाहने वालों को सब्र फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, मौलाना साहब ने अपनी वफात से पहले अपने चाहने वालों को क्या पैगाम दिया, इस वीडियो में आप भी देखें। मैं तो वैसे बीमार हूँ 4-5 दिनों से, लेकिन मैं फिर भी आ गया। इसके नाम दा ते तुसा दा मेरा जनाब सिर से वार भी फट गया। हां जी ना, तो कहना जी लो जी लखा सलाह।